आज का विचार, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही उचित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। हरियाणा के 1,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट लर्निंग प्ले स्कूल में तब्दील करेगी सरकार, ताकि 3 से 6 साल के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। कोरोना पर अच्छी खबर, प्रदेश का रिकवरी रेट पहुंचा 75%। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट पहुंचा करीब 75% तथा कोरोना के मामलों के दोगुने होने में भी 22 से 23 दिन का लग रहा है समय। कोरोना की रफ्तार अभी जारी है, हरियाणा में कोरोना के एक दिन में 694 नए केस, 6 की मौत। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक प्रदेश स्तर पर कुल 26,858 मरीजों को कोरोना से हुई है पुष्टि, जबकि 20,226 मरीज इस बीमारी से ठीक होकर लौट चुके हैं घर। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर लगे बैन को हटाया। हाईकोर्ट ने सरकार को करारी फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार न तो सोशल मीडिया पर बैन लगा सकती है और न ही जनता की आवाज को दबा सकती है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में झज्जर जिला के गांव दुबलधर निवासी शहीद हुए अक्षय कुमार को सोमवार को सम्मान पूर्वक दी गई अंतिम विदाई। गौरतलब है कि गांव दुबलधर पन्ना किरमाण निवासी युवा अक्षय कादियान 4 वर्ष पहले ही भारतीय सेना में सिपाही के पद पर लगा था नौकरी और हाल ही में 19 ग्रेनेडियर में जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में था तैनात। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने COVID-19 पर ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम किया घोषित। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में किया नाम दर्ज। रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर देखा जा सकता है। CBSE की साइट पर देखें देश के टॉप कॉलेज व कोर्स की सूची, ताकि स्कूल से निकलने के बाद छात्रों के सामने अपनी रुचि के अनुरूप कैरियर और उसके अनुरूप स्नातक में कोर्स चुनना हो जाएगा आसान। राफेल का इंतजार होगा खत्म, जुलाई अंत तक पहुंचेगा भारत, अंबाला एयरबेस पर होगा तैनात। 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप को 29 जुलाई को भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने की है संभावना। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज यानी मंगलवार को जारी करेगा 12वीं कक्षा का रिजल्ट। कोरोना की वजह से बहुत से विद्यार्थी नहीं दे पाई थी कई परीक्षाएं, एवरेज के हिसाब से दिए जाएंगे नंबर। कोर्ट के आदेश पर नहीं ली थी बोर्ड ने परीक्षा। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 35,000 से ज्यादा केस बढ़े, एक दिन में रिकॉर्ड 24,000 मरीज हुए ठीक, 8,000 की हालत गंभीर। देश में अब तक 11,53,000 नए केस। नेपाल में 17 अगस्त से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी शुरू, यहां 17,000 से ज्यादा संक्रमित। दुनिया में अब तक 1,47,00,000 केस। वैक्सीन को लेकर उम्मीद की खबर, ऑक्सफोर्ड ने कोरोना वैक्सीन के सफल ट्रायल का किया दावा। मेडिकल जर्नल द लेसेंट के मुताबिक यह बिल्कुल सुरक्षित और असरदार, सितंबर तक आ सकती है यह वैक्सीन। भारत को इसी महीने मिलेंगे राफेल, 29 जुलाई को वायुसेना में शामिल हो सकते हैं 5 राफेल। क्रू की ट्रेनिंग पूरी, लद्दाख सेक्टर में तैनाती संभव। चीन के साथ तनाव को देखते हुए वायुसेना LAC के पास अपनी ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाना चाहती है तुरंत। 22 से 24 जुलाई को होने वाली वायुसेना की कॉन्फ्रेंस में राफेल की तैनाती पर फैसला, वायुसेना चीफ कॉन्फ्रेंस में रहेंगे मौजूद। राजस्थान के अंदर में टकराव, CBI को जांच के लिए अब राज्य सरकार से लेनी पड़ेगी इजाजत। आदेश से पहले जांच एजेंसी की टीम पहुंची थी गहलोत समर्थक विधायक के घर। राज्य सरकार अनुमति नहीं देती है तो CBI खटखटा सकती है कोर्ट का दरवाजा। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार और बंगाल में ममता सरकार ऐसा ही आदेश कर चुकी है जारी। वर्ल्ड कप टलने से IPL का रास्ता साफ, 26 सितंबर से 9 नवंबर के बीच हो सकता है IPL। डबल क्वारंटाइन से बचने के लिए विदेशी खिलाड़ियों को सीधे बुलाया जा सकता है UAE। फ्रेंचाइजियों ने अभी से ही UAE जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन और वहां ठहरने के लिए होटल ढूंढने कर दिए हैं शुरू। T20 वर्ल्ड कप 1 साल के लिए टला, अब 2021 और 2022 के अक्टूबर नवंबर में लगातार 2 साल होगा T20 वर्ल्ड कप। इसके बाद 2023 में भारत में होगा वनडे वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में इस साल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना था।
एजीआर मामले में फैसला सुरक्षित। वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल ने एजीआर की बाकी रकम चुकाने के लिए कोर्ट से 15 साल का मांगा समय। टेलीकॉम कंपनियों की 15 साल की मांग पर कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। टाटा टेली ने कहा 7 से 10 साल का समय एजीआर चुकाने के लिए है सही। 5 अगस्त को लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 2 स्मार्टफोन। कंपनी ने फोल्ड सीरीज का नया लोगो भी किया पेश। स्मार्टफोन में मिल सकता है स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर, साथ ही मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। 5G कनेक्टिविटी भी सपोर्ट करेंगे स्मार्टफोन। Redmi Note 2 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। इस फोन से दूसरा फोन भी हो जाएगा चार्ज। शुरुआती कीमत 11,999 रुपए। ये रिवर्स चार्जिंग को करता है सपोर्ट। सिंगल चार्ज पर इसे 2 दिन तक किया जा सकता है इस्तेमाल। फोन में दिया गया है 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अगली खबर मौसम विभाग से। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश पर मानसून की व्यापक सक्रियता दिखाई देगी, जिसके चलते इन भागों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अब बात आज के इतिहास की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी का निधन 21 जुलाई 1906 को हुआ था। मशहूर फिल्मी गीतकार आनंद बख्शी का जन्म 21 जुलाई 1930 को हुआ था। संविधान ने 21 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चेतन चौहान का जन्म 21 जुलाई 1947 को हुआ था। भारत चीन के बीच सीमा पर आज ही के दिन 1962 में युद्ध हुआ। प्रसिद्ध तमिल अभिनेता शिवाजी गणेशन का निधन 21 जुलाई 2001 को हुआ था। प्रतिभा पाटिल 21 जुलाई 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका गंगूबाई हंगल का निधन 21 जुलाई 2009 में हुआ।